ए स्टूडेंट्स, एसएसएम स्कोर करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो स्पेसिफिकली कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में से पूछे जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स नहीं देख कर जाते, तो ये वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव में पक्के मार्क्स पाइए। हाय, तो मैं सीएस गौरव सेठ फ्रॉम सेफर्स एजुकेशन, और आज मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के सिविक्स में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो कि हो सकता है चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने है पावर शेयरिंग चैप्टर और उसका आपको एक इमेज यहां पर दे रखा है। तो ये जो फोटोग्राफ है इसका जस्ट आइडिया होना चाहिए। द फोटोग्राफ हियर इज अ स्ट्रीट एड्रेस, ये देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस दे रखा है। कहां पे दे रखा है? बेल्जियम में। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ये स्ट्रीट एड्रेस जो है वो कहां का है? बेल्जियम। एंड यहां पर आप नोटिस करोगे कि जो प्लेसेस के जो नाम है और डायरेक्शन जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में लिखी गई है, फ्रेंच और डच। तो ये दो क्वेश्चन जो है हमें एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कार्टून जो है वो है रिलेटेड जर्मन इंजीनियरिंग या जर्मनी, जर्मन से रिलेटेड, और यहां पर किसके बारे में बताया गया है? कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपको दिया गया है। तो ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। दूसरा हमें क्या पूछेंगे, देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग कार्टून्स रेफर्स? तो रेफर्स पे देखिए आपको, द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोएलिशन गवर्नमेंट। तो जर्मनी में कोएलिशन गवर्नमेंट थी, जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो उसे कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करनी पड़ती है। तो यहां पर भी हम दो पार्टीज के नाम पढ़ेंगे, उसको हमें अच्छे से याद करके जाना है। तो देखिए, टू मेजर पार्टीज जो है कौन कौन सी, ये दो पार्टीज के हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो इन दोनों ने मिलकर जो कि आपस में राइवल्स थे, राइवल्स मीन्स वो आपस में कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन बिकॉज दे हैड टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट, उनको कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी, बिकॉज नीदर ऑफ देम गॉट क्लियर मेजॉरिटी। दोनों को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, दोनों राइवल्स थे, दोनों आपस में टक्कर के थे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इन कॉम्पिटिटर्स को ही साथ में मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनानी पड़ी। तो ये हमें रीजंस भी पूछ सकते हैं, पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, और इलेक्शन कब हुए थे? 2005 के इलेक्शन में उन्हें मेजॉरिटी वोट जो है वो नहीं मिले, तो दोनों राइवल्स को कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनानी पड़ी। दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशन ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स। डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग, ये इसके कुछ और ओपिनियंस है, इसके कुछ और ओपिनियंस है, लेकिन डाइवर्जेंट पोजिशन थी, ये कुछ और सोच रहा था, ये पार्टी कुछ और सोच रही थी, फिर भी उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इसीलिए उन्हें कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो चलानी पड़ी और गवर्नमेंट को साथ में चलाना पड़ा। तो ये हमें पूछ सकते हैं, ये हमें इमेज दे देंगे और इससे रिलेटेड इसमें से कोई भी एमसीक्यू या कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, आपको जो भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है उसके टाइटल भी अच्छे से याद रखने हैं। दिस, ये जो कार्टून बेस्ड है यहाँ का टाइटल है रेनिंग द रेन्स। रेन का मतलब होता है घोड़े की लगाम। तो ये देखिए, आपको घोड़े की लगाम भी दे रखी है, और यहाँ पर दो लीडर्स के बारे में हमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर दो मेन लीडर्स के बारे में बात की गई है या बताया गया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये देखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन ऑफ रशिया। तो हमें कंट्रीज भी याद रखनी है और लीडर्स के नाम भी याद रखने हैं। हमें एमसीक्यू में ये इमेज दे देंगे और पूछ लेंगे विच लीडर्स आर रिप्रेजेंटेड हियर। तो हमें अच्छे से याद रखना है जॉर्ज बुश एंड पुतिन, और जॉर्ज बुश जो है वो यूएसए एंड पुतिन जो है वो रशिया। अब हम देखते हैं ये कार्टून जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला, इन 2005 कुछ नए लॉज जो है वो बने थे, कहां पर? लेकिन रशिया की बात हो रही है, यूएसए की नहीं, रशिया में नए लॉज बने थे जहां पर पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट को ज्यादा मिल गए, मतलब लगाम जो है वो किसके हाथों में आ गई? प्रेसिडेंट के हाथों में, रेन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ गई। ड्यूरिंग द सेम टाइम, और उसी टाइम जो है वहां पर विजिट किया यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने विजिट किया रशिया को, और यहां पर देखिए आपको ये दे रखा है, ये चीज जो है दे रखी है, पुतिन कैन बी सेन एडवाइसिंग बुश। तो पुतिन जो है वो किसे एडवाइस करे? बुश को।
दैट दे गॉट टू कीप देयर रेन टाइट, उन्हें अपनी लगाम जो है, अपना पावर या कंट्रोल जो है उसको टाइट रखना पड़ेगा. मीन्स दे शुड हैव द मैक्सिमम कंट्रोल, उन्हीं के पास ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए. ये देखो आपको दे ही रखा है, डेमोक्रेसी है और इन दोनों ने लगाम जो है एकदम कसकर पकड़ रखी है, रेन कसकर पकड़ रखा है बिकॉज उन्हें अपना कंट्रोल चाहिए. तो ये हमें इसी तरीके से अच्छे से आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका टाइटल हम देख लेते हैं, द स्टेट प्लीड्स फॉर मोर पावर. तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया गया है और यहां पर आपको किया गया है स्टेट गवर्नमेंट का. तो देखिए टाइटल हमें अच्छे से याद रखना है, यहां पर स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बेग कर रही है कि हमें पावर्स दो, वो बेग कर रही है. तो प्लीड का मतलब होता है बेग करना. टॉपिक देखिए, ये कार्टून जो है वो बता रहा है किसके बीच में रिलेशन, देखिए सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन बता रहा है व्हेन इट कम्स टू डिवीजन ऑफ पावर. जब भी पावर डिवाइड होते तो उनके बीच में सेंटर और स्टेट्स का रिलेशन के बारे में बात की गई है. और यहाँ पर लीडर जो है ये देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो रिप्रेजेंट की गई है. तो हमें कुछ भी इन तीनों में से कोई भी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं पेरल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो सबसे पहले देखिए पेरल्स का मतलब होता है डेंजर, थ्रेट्स या रिस्क. अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो क्या क्या थ्रेट्स या रिस्क हो सकते हैं, तो उसके बारे में ये है, टाइटल दे रखा है. और यहाँ पर आपको लीडर जो है वो कौन बताए गए हैं ये हमें पूछ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बताए गए हैं. और यहाँ पर कौन सा इशू है, कोएलिशन गवर्नमेंट और पेरल्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. इतना आपको इतना ही आइडिया रखना है, इसका मीनिंग तो बहुत है लेकिन आइडिया हमें इतना ही रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में इतना हमें पूछ सकते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज. इसका टॉपिक है क्रंचिंग द नंबर्स. तो यहाँ पर देखिए लोगों से एक वोटिंग ली गई और 27% लोग ऑफ कैनेडियन, ये अच्छे से याद रखना है, कैनेडा की बात है, वहां पर वोटिंग ली गई. तो 27 हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, डेटा है, 27% ऑफ द कैनेडियंस जो है वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, किसे पावर में आना चाहिए, लिबरल्स को. 35% कैनेडियन सोचते हैं कि कंजर्वेटिज्म को पावर में आना चाहिए. और मोस्टली 98% जो है कैनेडियन सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भाई कार में डालो और रफा दफा करो, तो उनकी कोई हमें जरूरत नहीं है. तो यहां पर देखिए टाइटल जो है वो क्या होगा, क्रंचिंग द नंबर्स, हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. और यहां पर बताया गया इट रिप्रेजेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन. कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, सब सोचते या तो ये आए या ये आए. और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये देखे शुड बी लॉक्ड इन द ट्रंक ऑफ 82 युगो, ये कार पे और उसको नाइग्रा फॉल्स में गिरा देना चाहिए. तो हमें इसका पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट जो है वो इग्नोर ही कर देते हैं. यहाँ पर देखिए पपेट रूल के बारे में हमें बताया गया है, ये कौन है उसके बारे में हम देखते हैं. तो यहाँ पर लीडर जो है अच्छे से याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जिनका नाम था बर्लुस्कोनी, ठीक है, यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और वो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के. तो यहाँ पर हम डिटेल देखते हैं, इसमें से काफी बार एमसीक्यू में हमें पूछ सकते हैं. देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है इटली के और वो टॉप बिजनेसमैन भी है इटली के और उसी के साथ साथ वो लीडर है फोर्जा इटालिया फाउंड, जो कि उन्होंने फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था 1993 में. और उनकी कंपनी जो है वो टीवी चैनल्स भी चलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक पब्लिशिंग कंपनी, फुटबॉल क्लब एसी मिलान और बैंक भी चलाती. तो इतना ज्यादा पावर, इतना सारा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किए हैं. और ये कार्टून जो है वो इलेक्शन के दौरान बनाया गया था. और मेन चीज यहाँ पर है वो ये क्यों है, वो पपेट रिगाइन को पोर्ट्रे कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पर ये जो है बर्लुस्कोनी जो है वो सारी मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो देखिए आपको हाउ ही इज यूजिंग द मीडिया एज अ पपेट टू सर्व हिज इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए वो किस तरीके से मीडिया को या जर्नलिज्म को यूज कर रहा है. तो हमें नाम भी अच्छे से याद रखना है और ये सारी डिटेल्स भी अच्छे से याद रखनी है. अब हम देखते हैं एक और, दैट इज रिलेटेड टू, यहां पर देखिए आपको द कंट्री रिप्रेजेंटेड. तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट किया गया है. और ये कार्टून जो है वो कब बनाया गया, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ
जॉर्ज बुश के टाइम की प्रेसिडेंसी की बात है ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन द यूएसए। तो ये देखें आपको दो चीजें रिप्रेजेंट, एक तो पिग है और एक है एलिफेंट। तो देखते क्या लिखा हुआ है, द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट। तो ये देखिए पार्टी के सिंबल जो है वो किसकी जेब में है या किसके कंट्रोल में है यहाँ पे, ठीक है, वन पार्टी कंट्री। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट जितनी भी कॉर्पोरेट अमेरिका जो है, ये जो है कॉर्पोरेट अमेरिका, वो जितनी भी मेजर इंस्टीट्यूशन है, ये देखिए आपको यहाँ पे सारे नाम दे रखे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हीं के जेब में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर मेजर इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपको हाउस हो गया, सेनेट हो गया, कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, तो ये सारी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पहले का जो सैंपल पेपर था 19 वाला, उसमें आपको ये दे रखा था कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, यहां पर डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, या यहां पर आर के लक्ष्मण या एक लेमैन हम बोल सकते हैं, और डेमोक्रेसी जो है उसे अलग अलग इशू को फेस करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है। ये देखिए आपको स्टूडेंट की डिमांड हो गई टू गेट सेपरेट स्टेट, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग डिमांड करते हैं, टू सेटल द लैंग्वेज इश्यूज, टू गेट मोर डियरनेस अलाउंस, डीए मींस डियरनेस अलाउंस हो गया, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेस, तो पुलिस प्रोटेस्ट हो गया। तो यहां पर अलग अलग इश्यूज के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इसका टाइटल जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर्स थ्रू अकोमोडेशन। तो अब ये देखिए आपको सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून। तो हमें भी पता है, हमने टाइटल देख ही लिया, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, सी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कोपिंग विद द मल्टीपल प्रेशर्स थ्रू अकोमोडेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम से ही समझ आ जाना चाहिए, वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय फ्यू, वर्ल्ड की वेल्थ जो है वो बहुत ही कम लोगों के पास है। मींस यहां पर वो बता रहा है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, अमीर जो है वो अमीर बनते जा रहे हैं और पुअर जो है वो पुअर बनते जा रहे हैं। तो इसका टाइटल जो है वो हमें अच्छे से याद रखना है। और देखिए आपको, या वर्ल्ड की इतनी वेल्थ है और वो सिर्फ और सिर्फ 2% रिच लोगों की या वेल्दी लोगों के पास ही है। और ये देखिए आपको, जो मेजर पॉपुलेशन है 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके पास इतनी ही वेल्थ है। तो रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो यहां पर इन इक्वालिटी ऑफ इनकम का इशू जो है वो डिपिक्ट किया गया है या शो किया गया है, और इसका टाइटल हमें अच्छे से याद रखना है, वर्ल्ड्स वेल्थ ओन बाय अ फ्यू। तो यहां से हमारे सारे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो इनमें से कहीं ना कहीं एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकते हैं। तो हमने सारे पॉसिबल कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, उसको देखा और समझा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए।